से अंकुर जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। सर, ये सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार का विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, किस प्रकार से उसको यूज या हैंडल करना चाहिए, उसका प्रयोग हम कितना बेस्ट किस वे में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, सोशल मीडिया का प्रमुख कंट्रीब्यूशन ये है कि जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी सर्कल्स में डिस इंटरमीडिएशन। मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे पहले हम ट्रैवल एजेंट्स को यूज करते थे टिकट वगैरह बुक करने के लिए, आजकल हम खुद कर सकते हैं कोई ऐप यूज करके, या तो कोई जो इंटरमीडिएरी होता था वो अभी नहीं है। हम डायरेक्ट जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक हैं, वो खुद कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी वही हुआ है। जैसे बता रहा था, जो एकेडमिक्स, जो रिपोर्टर्स, एडिटर्स, जो खास करके लेफ्टिस्ट माइंडसेट के, वो कंट्रोल करते थे नैरेटिव, वो टूट गया है। क्योंकि अपने आप हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और हम प्रचार भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर भी इसमें एक बात है जो हमें याद रखना चाहिए कि अभी भी जो बड़े बड़े टेक कंपनीज है उनके भी थोड़ा लेफ्टिस्ट माइंडसेट है। आप अगर देखोगे, यूएस में ये डिबेट अभी चल रही है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया है वो कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सेंटर ऑफ राइट का कोई व्यू पॉइंट अगर नैरेटिव पकड़ने लगा तो कई बार वो सप्रेस हो जाता है। इंडिया में भी आप देखे हैं तो कोई हमारे जो चिंताधारा के लोग हैं, वो ट्विटर पे हैं, कोई और प्लेटफॉर्म पे हैं, वो ज्यादा पॉपुलर होने से वो अलाउ नहीं करते हैं। कभी वो उनको रिकग्नाइज, ब्लू टिक नहीं करते हैं, कभी उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये चैलेंज है हमारी फेस करने के लिए। और सोशल मीडिया के बारे में एक और बात कहूंगा कि देखिए, कोई एक ग्रेन ऑफ ट्रूथ होनी चाहिए जिसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। हमारे जो शुभचिंतक हैं, मिलकर हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और करते हैं, और बहुत सक्सेसफुली भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं हमारे मैसेज को एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन ऑपोजिट साइड में जो इसको विरोध करते हैं, हमारे जो विपक्ष दल हैं, वो क्यों इतना सफल नहीं हो पाते हैं, इसका एक कारण है। क्योंकि वो बिल्कुल काला को सफेद और सफेद को काला बताने की कोशिश करते हैं। वो थोड़े देर के लिए, कुछ घंटों के लिए ट्रेंडिंग हो सकता है, आप अगर ट्रेंड वॉच करते हैं सोशल मीडिया में, कुछ घंटों के लिए ट्रेंडिंग हो, लेकिन वो पकड़ता नहीं, इट डज नॉट टेक होल्ड। जैसे कि आप कोई 50-51 साल का व्यक्ति को यूथ लीडर करके आप प्रमोट करें, आप जितने भी हैशटैग करें, वो 2-4 घंटे के लिए कुछ अपने जो बॉट्स होते हैं, आप अपने आईटी टीम होते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका वो पकड़ता नहीं है। तो हमारे साइड में ये एडवांटेज है कि वी हैव अंडरस्टूड हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। क्योंकि व्हाट एवर बीजेपी सेज, इट इज इन लाइन विथ पीपल्स एस्पिरेशन, इट इज इन लाइन विथ व्हाट द नेशन वॉन्ट्स एंड व्हाट द नेशन नीड्स। एंड यू कैन सी द सपोर्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नो अदर वर्ल्ड लीडर हैज सच सपोर्ट। यू नो, इट रेंजेस फ्रॉम समथिंग लाइक 74-75% टू रिसेंटली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, बिकॉज ऑफ ऑल द लीडरशिप ही हैज शोन इन मैनेजिंग इट, 94-95% अप्रूवल रेटिंग। नो अदर डेमोक्रेसी सीज सच पॉपुलरिटी। तो सोशल मीडिया में यही है कि एक कर्नल ऑफ ट्रूथ को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं विपक्ष दल, वो कभी सफल नहीं होगी। और सर, आप स्वयं भी एक मीडिया हाउस चलाते हैं तो इसीलिए हमने ये प्रश्न किया था, क्योंकि आपसे बेहतर इस प्रश्न का उत्तर हमें शायद कोई और नहीं दे पाता। सर, आपकी एक बुक भी है शायद लकियंस मार्विक नाम से, तो उस बुक के बारे में कुछ बता सकते हैं सर हम? पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जो मीडिया हाउस के बारे में आप बात कर रहे हैं वो है उड़ीसा टेलीविजन, ओटीवी, और वो उड़ीसा के सबसे मोस्ट वॉच्ड चैनल है 23 साल से। लेकिन इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, मेरी पत्नी ने, उसके फाउंडर और सीईओ हैं, और उनका ही कंट्रीब्यूशन, उनके टीम का ही कंट्रीब्यूशन। और खास करके कभी जब महिला अपने मेहनत से कोई एंटरप्राइज आगे बढ़ाए, उनको तो रिकग्नाइज करनी चाहिए। तो वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है। और जो किताब के बारे आपने बोले, वो लटियंस मैवरिक, वो मैंने 20 साल से स्तंभ लिखता हूँ बहुत सारे अखबारों में,
न्यूज़पेपर्स इन इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और अब्रॉड वॉल स्ट्रीट जर्नल, बीबीसी, इकोनॉमिस्ट, तो इसको एक कंबाइन करके कुछ एडिशनल कमेंट्री देके, ये पिछले वर्ष निकला था लटियंस मैवरिक, इसका टाइटल का मतलब यह है कि मैं 19 साल जब पार्लियामेंट में रहा तो वो लटियंस में मैं रहता था, लेकिन मैं मैवरिक टाइप का मतलब मैं उसको चैलेंज करता था। लटियंस में जो कन्वेंशनल थिंकिंग है विच इज वेरी नैरो एंड वेरी लिमिटेड, इट डज नॉट कवर द ओपिनियंस ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल, सो आई यूज टू चैलेंज दैट। तो इसीलिए उस पर कई विषय पर जैसे कि ईवीएम के कंट्रोवर्सी हुआ था, ईवीएम पर मैं लिखा हूँ और बहुत सारे, तो मैं ये कहूँगा कि जो विपक्ष दल हैं वो कोई इश्यू को लेके बिल्कुल ब्रेन वॉश करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अभी कुछ 3-4 साल पहले लाए गए हमारे पॉलिटिकल फंडिंग को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इस पर वो एक भ्रम फैला रहे हैं कि ये इट इज समहाउ एंटी ट्रांसपेरेंसी। इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले महीना डिबेट हुआ था, मैं और कांग्रेस दल के एक वरिष्ठ नेता डिबेट किए थे और डिबेट में हम जीते कि ये रिग्रेसिव नहीं है, इट इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप फॉरवर्ड फॉर इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन पोलिटिकल फंड्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ दर्शक हैं जाके उसको यूट्यूब पर देखें। तो ऐसे सब सब्जेक्ट्स को मैं वो किताब में लिखा हूँ और अब भी स्तंभ लिखता हूँ। That is very nice, sir.